स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में एक बार फिर न्यूज रूम से आपका स्वागत है। इस हिस्से में बात राजनीति के सबसे जहरीले कॉम्प्रोमाइज की। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता इसी की वजह से सुसाइड करने को मजबूर हो गए। आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी का एक नेता उसे टॉर्चर करता था शारीरिक संबंध बनाने के लिए और इसी वजह से उसे खुदकुशी कर ली। ये महिला आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है। आपके नेता आशुतोष और संजय सिंह के साथ महिला की फोटो इस बात की ठोस तस्दीक करती है। ये महिला केजरीवाल की पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता है, लेकिन अब ये जो कह रही है उसे बेहद ध्यान से सुनिएगा। मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ, अगर ऐसे कभी कभी मन करता है ना, इतनी डिप्रेशन आके मैं सुसाइड कर लूं। जी हाँ, सोनी नाम की इस महिला का ये बयान बस कुछ ही घंटों पहले का है और अब आपकी ये महिला कार्यकर्ता इस दुनिया में नहीं है। जी, 25 साल की सोनी ने सुसाइड कर लिया है, जहर खाकर अपनी जान दे दी है। लेकिन इस सुसाइड के पीछे का सच क्या है? क्यों महिलाओं की सुरक्षा का दम भरने वाली केजरीवाल की पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने मौत को गले लगाना बेहतर समझा? इसका खुलासा खुद सोनी ने जहर पीने से पहले ही कर दिया था। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। पिछले जब भी कार्यकर्ता जब बना भी नहीं था उस समय से मैं जुड़ी हूँ, जब अन्ना हजारी के साथ थी। लेकिन जब आज पार्टी से मैं जुड़ी हूँ तो पार्टी के जो यहाँ के एमएलए है शरद चौहान, उनके एक बंदा अपना आपको उनका आदमी नाम बताता है कि मैं एमएलए का आदमी हूँ। उन्होंने मुझे ये बताया पॉलिटिशियन हो तो पॉलिटिशियन में आने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या कॉम्प्रोमाइज़? तो पॉलिटिशियन में आने के लिए ना आपको ना रिलेशन बना के उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। तो सुना आपने, सुसाइड से पहले सोनी ने कैमरे पर खुद कहा कि आम आदमी पार्टी का एक नेता उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। न सिर्फ दबाव डाल रहा था बल्कि शारीरिक संबंध न बनाने पर धमकियां भी दे रहा था। अब सवाल यह है कि क्या इस महिला ने सीएम अरविंद केजरीवाल से शिकायत नहीं की? तो इसका सच भी सुनी। सीएम साहब के साथ बात हुई, सीएम साहब ने बोला कॉम्प्रोमाइज कर लो, बैठ के बातें कर लो उसके साथ, वो माफी मांग लेगा। लेकिन वो माफी मांगने वजह फिर दिलीप पांडे जी के साथ हमारी मीटिंग हुई, इसके बाद आने के बाद भी हमें धमकाया जा रहा है। और क्या धमकी दी जा रही है आपके? तुमने मेरे से दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं करूंगा, विदाउट कपड़े यहाँ से भगाऊंगा। हम आपको बता दें कि सोनी को शारीरिक संबंध के लिए टॉर्चर करने वाले आपके नेता का नाम रमेश भारद्वाज है और ये दिल्ली के नरेला से आपके विधायक शरद चौहान का बेहद करीबी बताया जाता है, जो सोनी से पॉलिटिक्स में आने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की बात करता है। एक तस्वीर में रमेश भारद्वाज नरेला से विधायक शरद चौहान के साथ पूजा में बैठा हुआ नजर आ रहा है। रमेश भारद्वाज हाँ। क्या है ये? ये एमएलए द्वारा कोर कोऑर्डिनेटर बनाया गया है एसएमसी का। तो विधायक के साथ ही रहता है? हाँ जी। तो इन्होंने गाड़ी में भी, जब एक बार मुझे प्रोग्राम में ले गए थे एमएलए के प्रोग्राम में, हम सारे 6 लड़कियां गए थे, सारी लड़कियों को नीचे गाड़ी से नीचे उतार के मेरे साथ 15 मिनट बातें की हैं, ये कर लो वो कर लो, और मेरे साथ बदतमीजी की है। मैंने बहुत मुश्किल से गाड़ी से फिर मैं उतरी थी। विधायक का रवैया भी कैसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि विधायक जिस इस तरह के बंदे को चूज किए हैं तो उनकी भी थिंकिंग ऐसे होगी, तभी तो ऐसे बंदे को पार्टी में रख रहे हैं जो फीमेल को बेचने की बात कर रहे हैं। शारीरिक संबंधों का दबाव बनाने के चलते आरोपी रमेश भारद्वाज को पहले गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन छूटने के बाद उसने फिर से सोनी को परेशान करना शुरू कर दिया और उसके बाद परेशान हाल में सोनी अपने ही घर में कोल्ड ड्रिंक में सल्फास की गोलियां मिलाती है और उसे पी जाती है। उस वक्त सोनी की दो बेटियां घर पर ही मौजूद थी। जैसे ही सोनी की तबीयत बिगड़ती है, बच्चे पड़ोसी को बुलाते हैं, उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन सोनी की मौत हो जाती है। सोनी ने ना सिर्फ केजरीवाल से इसकी शिकायत की थी बल्कि दिल्ली पुलिस और महिला आयोग के पास भी मामला दर्ज करवाया था, फिर भी रमेश भारद्वाज सोनी को बराबर टॉर्चर करता रहा। इसने धारा 306 के तहत यानी खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है,
दिल्ली पुलिस से आपकी महिला कार्यकर्ता सोनी के सुसाइड का केस नहीं हैंडल हुआ तो पुलिस ने केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। राजेश खत्री और पंकज जैन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। ये रिपोर्ट तो आपने देख ली, लेकिन अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर हर कोई परेशान हो जाएगा। बात केंद्र सरकार के एक सीनियर अधिकारी की, भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन शोहरत, कमाई, सब कुछ पल में मिट्टी में मिल गई, क्योंकि उसके बाद परिवार के लोग इतने परेशान हो गए, बीवी ने, बेटी ने खुदकुशी कर ली। देखिए, भ्रष्टाचार की खाई एक आला अफसर को इस तरह रोने पर मजबूर कर देगी, शायद ये इस अफसर ने भी नहीं सोचा होगा। रिश्वत लेते रंगे हाथों बीके बंसल पकड़े गए तो आज उनके घर से दो दो अर्थियां उठ रही हैं और बीके बंसल की आंखों से दर्द का दरिया बह रहा है। प्रेजन बाकी नहीं था, आपने उसकी जांच कराने के बोला था, जांच की जरूरत ही नहीं थी जी उसमें। घर के मुखिया को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया तो बीके बंसल की पत्नी और बेटी बदनामी का ये दंश झेल नहीं पाए। उन्होंने समाज का सामना करने से बेहतर मौत को समझा। जी हाँ, दोनों ने सुसाइड कर लिया। बीके बंसल 9 लाख की घूस लेते हुए पकड़े गए थे, जबकि छापेमारी में 57 लाख रुपए भी बरामद हुए थे। क्या नाम है दोनों अंकल आंटी? आंटी बहन क्या नाम है? एक नेहा, एक सत्य वाला बंसल है। क्यों सुसाइड किया बेटा? अंकल जी हमें नहीं पता। तुम्हें कब मालूम करा है? कैसे सुसाइड किया? कहाँ पे लटके जाते किया सुसाइड? पंखे से लटके दोनों? कितने महीने से काम कर रही है? 4 महीने हो गए। तुम्हें कब मालूम चला सुसाइड किया? परिवार को जानने वालों की माने तो बंसल की बेटी नेहा की 2 महीने बाद ही शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले मां बेटी ने एक कदम उठा लिया। बीके बंसल की पत्नी सत्यबाला ने फांसी लगाने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा। जब से हमारे घर में सीबीआई का छापा पड़ा है तब से बदनामी हो रही है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, इसी वजह से तंग आकर मैं आत्महत्या कर रही हूँ, मेरी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। बंसल की गिरफ्तारी ने परिवार की इज्जत और हैसियत सबको ध्वस्त कर दिया। रिश्वत के आरोपों पर सजा का फैसला तो कानून करेगा, लेकिन बंसल की बेटी नेहा ने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला पहले कर लिया। नेहा ने सुसाइड नोट में लिखा, मेरे पापा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, मम्मी परेशान रहती है, मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ, गली मोहल्ले में हमारी बहुत बदनामी हो रही है, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ, मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। बंसल की पत्नी सत्यबाला और बेटी नेहा की लाश अलग अलग कमरों में पंखे से लटकी हुई मिली। दीपक डालमिया के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसी काली कमाई, अब जिंदगी भर का रोना, शायद ये अपने आप में आने वाले वक्त में कई लोगों के लिए एक मिसाल बने और वो सोचें काली कमाई करने से पहले। लेकिन भ्रष्टाचार की चूंकि बात हो रही है तो इस देश की ये समस्या किसी एक शहर की है नहीं। जयपुर का एक भ्रष्ट इंजीनियर, उसका भांडा कैसे फूटा ये आपको बताते हैं। दरअसल साहब अपनी रेगुलर जो उनकी किश्त आती थी काली कमाई की, वही ले रहे थे, पकड़े गए, पूरा काला कुबेर जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था सामने आ गया। पांच 100 के नोट, हजार हजार के नोट, नोटों की इतनी गड्डियां कि गिनते गिनते थक जाएंगे। और जिन महाशय के यहां से नोटों का जखीरा बरामद हुआ वो बेचारे तो गश खाकर कभी सोफे पर तो कभी फर्श पर ही गिरने लगे, ऐसे मानो उनकी गाढ़ी कमाई पर दिन दहाड़े डाका पड़ गया। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। पहले जरा कैमरा देख कर अपना चेहरा छिपाते इन जनाब का तारुफ देख लीजिए। सुबोध जैन,
एडिशनल चीफ इंजीनियर, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट PHED, राजस्थान सरकार। चाहे राजस्थान में सरकार किसी की भी हो, सुबोध जैन मनचाही पोस्टिंग ले ही लेते थे और इसी रसूख का फायदा उठाकर फील वक्त वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। लेकिन घूसखोरी की आदत ऐसी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की नजरों में आ गए और घूस की रकम को ठिकाने लगा पाते उससे पहले ही धर दबोचे गए। दरअसल SPML नामक कंपनी को भरतपुर में पाइपलाइन डालने का टेंडर मिलने वाला था। 22,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के एवज में 37 करोड़ की रिश्वत तय की गई, जिसमें से 15 लाख रुपए की रिश्वत की एक किश्त दी जा रही थी। तभी ACB ने छापा मारकर सुबोध जैन के घर से 9 लाख रुपए नकद बरामद कर लिए। सुबोध जैन ने इसमें से 5 लाख की रकम अपने जूतों में छुपा रखी थी। प्रफुल्ल कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो SPML प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के AGM हैं। उन्होंने 5 लाख रुपए लेकर के और यहाँ इनके घर पे आए और जब ये देकर के वापस लौटे तो उस टाइम हमने इनको इंटरसेप्ट किया, उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि 5 लाख रुपए मैं अभी सुबोध जैन साहब को देके आया हूँ। वैसे ACB को इस घूसकांड की जानकारी 6 महीने पहले ही हो गई थी। आरोपियों के नंबर सर्विलांस पर थे, 4,000 कॉल्स की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, लेकिन सुबोध जैन को इसकी भनक तक नहीं लगी और ना ही उनके साथियों को। जी हाँ, इस मामले में सुबोध जैन के अलावा उन्हीं के विभाग के चीफ इंजीनियर RK मीणा के घर पर छापा पड़ा तो 12,41,000 नकदी बरामद हुई, जबकि एक इंजीनियर 15 लाख घूस लेकर फरार हो गया। वहीं रिश्वत देने वाली SPML कंपनी के AGM प्रफुल्ल कुमार, वाइस प्रेसिडेंट केशव गुप्ता समेत 4 लोगों को पकड़ा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार पर पूरी तरह शिकंजा कब और कैसे कसेगा, कब और कैसे ऐसे भ्रष्ट अफसरों पर लगाम लगेगी। शरद कुमार, जयपुर आज तक। इसी के साथ हम बुलेटिन में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे रेल पर रैला, देखते रहिए। और अब आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आस्था, धर्म, विश्वास के नाम पर लोग क्या क्या कर गुजरने को तैयार होते हैं। जी हाँ, ट्रेन पर ऐसी यात्रा देखिए। इन तस्वीरों को जो देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। ट्रेन पर इतने यात्री लदे हैं, इतने यात्री लदे हैं, गिनना तो नामुमकिन है। यकीन नहीं आता ये तस्वीरें हकीकत की हैं या फेविकॉल का एड है जिसमें ट्रेन की छत पर लोगों को चिपका दिया गया है। इन्हें अपनी जान की रत्ती भर परवाह नहीं, इन यात्रियों ने जैसे प्रभु की रेल की दुर्गति कर दी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खंडवा की हैं, जहां एक एक ट्रेन पर सैकड़ों मुसाफिर लदे हैं। ट्रेनों की छतों पर खतरों से खेलकर लोग खंडवा में दादाजी धूनी वाले बाबा की समाधि पर पहुंच रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन लाखों की तादाद में भक्त बाबा के आश्रम में ऐसे ही पहुंचते हैं। यकीनन इन तस्वीरों को देखकर रेल मंत्री प्रभु भी दंग रह जाएंगे, लेकिन इन लोगों को शायद अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं। जय नागदा, खंडवा आज तक। कई बार लगता है ऐसी तस्वीरें हिंदुस्तान में ही देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल, न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।